नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एवोकाडो, जिसे हम बटरफ्रूट के नाम से भी जानते हैं, वास्तव में हरा सोना है। एवोकाडो जो क्रीमी टेस्ट और पोषक तत्वों से भरपूर है, आपको कृषि क्षेत्र में सोने की चमक दिखा सकता है। इसकी मांग साल दर साल तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में ये 300 से 600 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। अगर आप भी एवोकाडो की खेती करके लाखों कमाना चाहते हैं तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको एवोकाडो की खेती की बुआई से लेकर कटाई तक की कंप्लीट जानकारी देंगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कृषि हेल्पलाइन में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे जलवायु की। एवोकाडो के पौधे लगाने का सही मौसम मानसून है। इसको 20 से 30 डिग्री तक का तापमान चाहिए होता है, जो किस्मों के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी को सहन नहीं कर पाते। वहीं बात करें मिट्टी की, तो एवोकाडो के पौधे को 6 से 7.5 पीएच रेंज वाली मिट्टी चाहिए और वहां पानी के निकास का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जरूर अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्लांटिंग के तरीके की। एवोकाडो के पौधे आमतौर पर बीजों या ग्राफ्टेड पौधों से उगाए जाते हैं। यदि आप बीजों से उगा रहे हैं तो ताजे पके हुए एवोकाडो ही चुनें। उनकी गुटली को मिट्टी में नुकीला सिर ऊपर करके इस तरीके से लगाएं जिससे गुटली का लगभग आधा हिस्सा मिट्टी की सतह से ऊपर हो। बीज से पौधा बनने में कई हफ्तों से लेकर कई महीने लग सकते हैं। पौधा बनने के बाद जब वो 1 इंच का हो जाए तो ये सीधे जमीन में लगाया जा सकता है। प्लांटिंग करते वक्त पेड़ से पेड़ की दूरी 3.5 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी 7 मीटर रखनी चाहिए, जिससे आप 1 एकड़ में 165 से 170 पौधे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बुआई के बाद सिंचाई और देखभाल की। मिट्टी के तुरंत बाद जड़ के चारों ओर मिट्टी को सेटल करने के लिए अच्छी तरह से पानी दें। इस बात का ध्यान भी रखें कि पानी जड़ों के आसपास खड़ा ना रहे। पहले वर्ष के दौरान नमी वाली मिट्टी को बनाए रखने के लिए पौधों को समय समय पर पानी देते रहना चाहिए, खासकर सूखे के दौरान। एक बार बड़े हो जाने पर एवोकाडो के पेड़ों को बार बार सिंचाई की जरूरत नहीं होती, लेकिन गहरे पानी की सिंचाई की जरूरत पड़ती है। सूखे महीने में 3 से 4 हफ्तों के गैप में सिंचाई करनी चाहिए। बरसात के वक्त सिंचाई की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, आप पौधों के बेस पर चारों ओर मल्चिंग भी कर सकते हैं, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। एवोकाडो के पौधों को तेज हवाओं और सीधी धूप से बचाकर रखें, खासकर शुरुआती स्टेज के दौरान। पेड़ों को सही आकार देने के लिए समय समय पर कटाई और छटाई जरूर करें। अब आइए बात करते हैं खादों के सही ढंग से इस्तेमाल की। सबसे पहले तो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जाँच जरूर करें, फिर उसके अनुसार ही आप एक अच्छी खाद का चुनाव कर सकते हैं। अर्ली स्टेज यानी पहले वर्ष के दौरान अपने एवोकाडो के पौधों के लिए 3 बार खुराक डालनी चाहिए। एक बार वसंत की शुरुआत में, एक बार गर्मियों के मध्य में और एक बार पतझड़ की शुरुआत में। बड़े हो चुके पेड़ों के लिए साल में कम से कम 2 बार खाद डालनी चाहिए, एक बार वसंत में और फिर एक बार गर्मियों की शुरुआत में। बेहतर नतीजों के लिए संतुलित और ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करें। मानसून के पहले के टाइम में एनपीके का प्रयोग करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं एवोकाडो पर लगने वाले कीटों और रोगों पर नियंत्रण कैसे करें। एवोकाडो के पौधों को माइट्स, एफिड्स और मिलीबग्स जैसे कीटों द्वारा अटैक किया जाता है। इसके साथ ही रूट रोट और एंथ्रेक्नोस जैसी बीमारियों द्वारा भी नुकसान किया जाता है। इसीलिए इनके अटैक से बचने के लिए इन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए ऑर्गेनिक या केमिकल पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो अंत में हम बात करेंगे कटाई और स्टोरेज की। एवोकाडो के फलों को सही समय पर कटाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे पेड़ पर अच्छी तरह से नहीं पकते। एवोकाडो की कटाई तब करें जब वो मैच्योर हो जाएं और उनका छिलका गहरे रंग का हो जाए। तने का सिरा हल्के से मोड़ने पर आसानी से अलग हो जाना चाहिए। वहीं अगर स्टोरेज की बात करें, तो अगर आपको फलों को तोड़ने के बाद पकाने की जरूरत है तो रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान पर स्टोर करें, और यदि फल पक चुके हों तो एवोकाडो को कई दिनों तक रेफ्रिजरेटर्स में रखा जा सकता है, ताकि आगे पकने की प्रक्रिया धीमी ना हो।
तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि एवोकाडो की बुआई से कटाई तक पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। आशा करते हैं कि हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम जरूर आएगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।